राजस्थान लोक सेवा आयोग के LDC 2013 की परीक्षा में पिकअप लिस्ट में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की मांग को लेकर सभी अभ्यर्थियों ने RPSC के बाहर सद्बुद्धि यज्ञ किया और यज्ञ करके RPSC कर्मचारियों को जल्द से जल्द अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने का ज्ञापन भी दिया। अभ्यर्थी दिलीप कुमार ने बताया कि RPSC द्वारा LDC भर्ती सन 2013 में निकाली गई थी और परीक्षा 23 अक्टूबर 2016 को ली गई, जिसका परिणाम 31 मार्च 2017 को निकाला गया था। परिणाम के बाद भी फाइनलिस्ट को नियुक्ति दे दी गई है। नोट ज्वाइन अस अभ्यर्थियों के एवज में पिकअप लिस्ट 19 जुलाई 2018 को जारी की गई। अब ज्वाइनिंग प्रक्रिया पर स्टे लगा हुआ है, लेकिन छात्रों का आरोप है कि RPSC द्वारा मजबूत पैरवी नहीं की जा रही, जिसके अभाव में ज्वाइनिंग प्रक्रिया पर लगा हुआ स्टे नहीं हट पाया। LDC 2013 की भर्ती आई है, जिसका विज्ञापन 2013 में जारी किया गया था, मगर अभी तक 2018 में भी सभी नियुक्तियां नहीं हो पाई है। इसमें सिर्फ मेन लिस्ट की नियुक्तियां हो पाई है। इसके अलावा एक 992 कैंडिडेट की पिकअप लिस्ट जारी की गई थी RPSC द्वारा 19 जुलाई 2018 को, जिसकी रिकमेंडेशन RPSC की धीमी प्रक्रिया के कारण नहीं हो पाई। इसी समय के दौरान ये भर्ती कोर्ट में चली गई और इस भर्ती पर स्टे आ गया और अब RPSC की द्वारा कोई भी मजबूत पैरवी नहीं की जा रही, जिससे कि स्टे वैकेंट नहीं हो पा रहा और हम सब बच्चों का भविष्य अब खतरे में है। DOP का एक सर्कुलर है जिसके अनुसार ये 16 सितंबर को ये वेटिंग लैप्स हो जाएगी, हमारे 992 कैंडिडेट्स का भविष्य बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, मगर RPSC द्वारा कोई भी हमें आश्वासन नहीं दिया जा रहा और RPSC चेयरमैन द्वारा हम जब भी मिलने जाते हैं किसी भी प्रकार हमसे मिला नहीं जाता और ना कि हमें आश्वासन दिया जाता। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।